हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और मैं भी एकदम खुश हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ, आपके सामने हूँ, देख सकते हैं। और सभी को एकदम खुश, मस्त, बिंदास रहना चाहिए। तो आज मैं फिर से बर्थडे का ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आज किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे मना रहे थे, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोग भी हमारे साथ बर्थडे का एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको किसका बर्थडे है। तो यहाँ पे चल रही है बर्थडे की तैयारी, यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है। और डेकोरेशन का काम बर्थडे गर्ल की मम्मा और पापा ने किया था, यानी मेरा भाई और भाभी। तो मुझसे छोटी हैं, तो मैं तो नाम लेके बुलाती हूँ, दिव्या बोलती हूँ, भाभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि छोटी है तो नाम लेके ही बुलाती हूँ। और ये देखिए, बर्थडे गर्ल के फ्रेंड भी आ गए थे ये ऊपर रहते हैं, उन्हीं के बच्चे थे। तो यहाँ पे ये लोग तैयारी कर रहे थे बर्थडे की, जो भी डेकोरेशन था अपना दोनों लोग कर रहे थे। और मैं तो भाई खाना पीना बना रही थी, इन लोगों ने तैयारी कर दी थी, बाकी बनाने वाला काम मैंने ही किया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया मैंने खाने में। तो यहाँ पे बनाया है मैंने मटर पुलाव और आलू गोभी मटर की सब्जी, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है तो गोभी आजकल बहुत आ रही है, तो यही सब्जी सभी को इजी लगती है, तो यही बनी थी। और यहाँ पे छोले बनाए थे और पूड़ी कचौड़ी का आटा लगा के रख दिया गया था, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, तो सेम टाइम ही बनाई जाएंगी। और यहाँ पे बन रही थी खीर, तो खीर भी बनकर रेडी हो गई थी। और मैंने ही सारा खाना बनाया था, अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कैसी कुकिंग की थी, कैसा खाना बनाया था। तो यहाँ पे लगभग लगभग डेकोरेशन हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यही बैलून और थोड़ा बहुत जो होता है यही सब करना था। और इधर सब आसपास के लोग भी आ गए थे, सभी को बुलाया गया था। तो यहाँ पे ये लोग अपना गाना वाना गा रही थी, सभी लोग, मॉम भी यहीं पे थी, और वो लोग बर्थडे की डेकोरेशन कर रहे थे और मैं कुकिंग कर रही थी। और ये देखिए बर्थडे गर्ल की पिक, सभी के साथ यहाँ पे उसकी पिक है, तो देखिए। ये देखिए मेरी बेटी भी पूरी तरह से रेडी है, जैसे इसी का बर्थडे हो, तो पूरी तरह से सज धज के रेडी है। और यहाँ पे कुछ लोग आए थे, चाचा वगैरह इनके जो भी थे रिलेशन के, सभी को बुलाया था। और इधर गाने वाने हो रहे थे, तो मैंने गाने का वॉइस नहीं डाला है, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने नहीं डाला है सब। और ये देखिए अब यहाँ पे होगी केक की कटिंग, तो मेरी बेटी से पहले ही नाइफ लेके बैठी है केक काटने के लिए, क्योंकि इसको केक देख के ना केक काटना है तो काटना है। तो यहाँ पे अब होगी केक की कटिंग। तो ये देखिए बर्थडे गर्ल भी आ गई है, इसका नाम है नव्या, और ये है मेरी भतीजी, आज मेरी भतीजी का ही बर्थडे है, तो इसका बर्थडे है, सेकेंड बर्थडे है इसका। और ये देखिए लहंगा वहंगा पहन के आई थी, जितनी बड़ी नहीं थी उतना बड़ा इनका लहंगा था, बट बड़ी क्यूट लग रही थी, और केक काट नहीं रही थी। तो यहाँ पे करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन, मेरी बेटी को देखिए लग रहा है इसी का बर्थडे है, ये तो सबसे पहले केक काटने में लग। और ये देखिए इसने केक कट भी कर दिया है, बर्थडे गर्ल तो पीछे हो गई है।
ये आगे हो गई है, तो यहाँ पे हो रही है केक की कटिंग। तो चलिए करते हैं केक की कटिंग। और यहाँ पे केक की कटिंग हो गई है, और यहाँ पे एक केक नव्या के मामा लाए थे और एक केक नव्या के पापा लाए थे। ये है नव्या के पापा और मम्मा, और अब मैं यहाँ पे खिलाऊंगी इसको केक अपनी भतीजी को। और मैंने इसको क्रीम भी लगा दी थी, देख रही थी, मेरी गोद में तो ये आती नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद जाते हैं ना, तो बच्चे छोटे क्या हैं, भूल जाते हैं। तो मेरी बेटी को देख लीजिए कैसे खा रही है ये तो एकदम बिंदास है। तो अब यहाँ पे सभी जो हैं सभी लोग केक वेक खिलाएंगे। और ये है मेरी मामी, देखो बेटे को लिए हुए हैं। तो ये बहुत बाद में आई थी, थोड़ा लेट हो गई थी। मेरी मामी है, पास में ही रहती हैं। और ये है बर्थडे गर्ल के मामा, तो यहाँ पे वो भी केक खिला रहे हैं। और ये है मेरी मॉम, मॉम भी केक खिला रही हैं क्योंकि बर्थडे गर्ल तो भागी जा रही थी ये देखिए, इनको बार बार पकड़ के लाया जा रहा था, ये भागी जा रही थी। तो बस यहीं तक वीडियो शूट कर पाई, आगे का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि केक कट चुका था। केक कटने के बाद सभी को जाने की जल्दी रहती है, तो जो भी लोग आए हुए थे उनको केक वगैरह नाश्ता पानी जो भी था वो सब कराना था। तो बस इतना ही वीडियो बना पाई, और फिर उसके बाद मैं तो चली गई काम करने के लिए। और यहाँ पे जो आए थे इधर खाना पीना भी हो रहा था, नाश्ता वगैरह हो चुका था, और डांस वगैरह भी हुआ था बाहर, हो रहा था, लेकिन मैं तो नहीं जा पाई वहाँ पे और ना ही वीडियो बना पाई। तो बस इतना ही वीडियो बनाया। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।